फोनेमिक डिवेलपमेंट डी स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे फोनामिक डिवेलपमेंट के बारे में बात करनी है फोनमिक डिवेलपमेंट रेफर्स टू एक्विजीशन ऑफ मास्टरी ऑफ फोनीम्स विच आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट कैन डिफ्रेंशिएट मीनिंग इन आ लैंग्वेज तो फोन फोनीमिक डिवेलपमेंट जो है वो फोनीम्स की स्टडीज uh, इससे है जिसमें ये मिनिमम यूनिट्स हैं साउंड्स के जिनको जो मिलाकर हम वर्ड्स बनाते हैं किसी भी लैंग्वेज में इंग्लिश में भी खास तौर पर जिसकी हम डिस्कस कर रहे हैं और ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन ग्रेजुअली डेवलप द एबिलिटी टू एंड प्रोड्यूस द डिफरेंट फोनीम्स यूज इन देयर नेटिव लैंग्वेज तो जब लैंग्वेज डेवलपमेंट को हम स्टडी करते हैं और ये सिलसिला बच्चे की पैदाइश के साथ ही शुरू होता है तो ये जो साउंड से मतलब है इसका आगाज़ होता है और, और फिर फोनीम्स जो है ये छोटे यूनिट्स हैं जिसको हम सेलेबल भी कहते हैं फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इसमें अगर हम देखें कि वर्ड अवेयरनेस है फोनीमिक अवेयरनेस है सेलेबल अवेयरनेस है राइम अवेयरनेस है और फर्स्ट साउंड अवेयरनेस है और एलिट्रेशन अवेयरनेस इकोनामिक डेवलपमेंट बिगेन्स इन इन्फेंसी एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द अर्ली चाइल्डहुड। ये जो ही बच्चा पैदा होता है या इन्फेंट्स में ये बिल्कुल आगाज़ से ही इसको स्टार्ट होती है और अर्ली चाइल्डहुड तक जारी रहती है इन्फेंट्स स्टार्ट मेकिंग कूंग एंड बेबलिंग साउंड्स वो क्विंग यानी सबसे पहले क्राई करते हैं फिर क्विंग और फिर बेबलिंग साउंड्स पैदा करते हैं सो की प्रोग्रेसिंग टू प्रोड्यूस रेकग्नाइजेबल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस लेकिन ये वन ईयर के बाद होगा आज एज चिल्ड्रन ग्रो एंड डिवेल्प दे परसीव एंड प्रोड्यूस द स्पेसिफिक पुनीम्स ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज तो लैंग्वेज uh, एक्विजिशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ लैंग्वेज डिवेलपमेंट नेटिव लैंग्वेज से होता है तो जो जो जु उनकी एज बढ़ती है जूँ जो जु वो ग्रो करते हैं तो उनमें साउंड्स के साथ साथ फिर आगे फोनीम्स uh, डिवेल्प होते हैं फोनीम्स के बाद फिर मिलाकर वो वर्ड्स बनाते हैं और दिस प्रोसेस इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपोजर टू स्पोकन लैंग्वेज एंड इंटरेक्शन विद केयर गिवर्स एंड पीयर्स तो जो उसके केयरगिवर्स और पीयर्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन का इसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है तो अगर हम देखें तो ये साउंड्स जो हैं टू टू थ्री इयर्स की एज में साउंड्स कौन सी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं पा बा मा डा, ना हा टा गा ग प या उसके बाद आप देखें चार साल की उम्र में एल जा च शा ज और फिर आगे देखें फाइव इयर्स की एज में रा जा था ये वस्ड हैं और सिक्स इयर्स में जो है वॉइसलेस था की साउंड है वो प्रोड्यूस करते हैं तो ये इनकी एज के साथ साथ ये मरहल मुकम्मल होते हैं जो जो वो माइल तय करते हैं तो उनमें ये डिफरेंट साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं चिल्ड्रेंस फोनेमिक डेवलपमेंट इज शेप्ड बाय स्पेसिफिक फोनेमिक करेक्ट्रिस्टिक्स अफ देर नेटिव लैंग्वेज जो उसके बच्चों की जो नेटिव लैंग्वेज है उसके जो करैक्ट्रिस्टिक्स हैं वो तय करते हैं उसकी फोनेमिक डेवलपमेंट को और उसकी अवेयरनेस जो इन्वॉल्वस रेकग्नाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग रेकगनाइज करना और चेंज करना इंडिविजुअल फोनीम्स को इन स्पोकन वर्ड्स जो स्पोकन वर्ड्स ये जहन में रखें कि फोनीम्स मिलकर जो एक्चुअली क्या है ये सेलेबल्स हैं ये साउंडस हैं ये वन साउंड टू साउंड यानी वन फनीम टू फनीम थ्री फनीम ये मिलकर एक वर्ड बनाते हैं तो फिर ये स्पोकन वर्ड्स के पार्ट के तौर पे होते हैं और इनको मैनिपलेट uh, करके चेंज करके तो वो डिफरेंट मीनिंग्स या डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट फनीमिक डवेलपमेंट ये बच्चों की मदद करती है स्ट्रॉन्ग uh, रीडिंग और स्पेलिंग स्किल्स के हवाले से पोनीमिक डिवेलपमेंट प्लेज रोल इन लैंग्वेज एक्विशन एंड लिटरेसी डिपमेंट तो ये जो पोनीमिक डिवेलपमेंट है ये लिटरेसी स्किल्स और लैंग्वेज डिवेलमेंट लैंग्वेज एक्विजीशन में भी इसका बहुत गहरा रोल है इट्स प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर लर्निंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग साउंडस यानी आवाज़ों में फ़र्क करने में और रिकगनाइजिंग उनको पहचानने में एंड प्रोड्यूसिंग वर्ड्स और वर्ड्स प्रोड्यूस करने में तो ये फाउंडेशन का काम करती है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड्स एंड लेटर्स इन रीडिंग एंड राइटिंग तो रीडिंग एंड राइटिंग में भी ये लेटर्स और उसमें ताल्लुक जोड़ती है अ फनीम इज़ द एन इंडिविजुअल साउंड तो अ लेटर प्रोड्यूस प्रोड्यूस वैन इट इज़ सेड फॉर इंस्टेंस द लेटर बी

पुनैमिक डेवलपमेंट थ्रू एक्टिविटीज़ मुखलिफ एक्टिविटीज़ के जरिए वो इसमें मदद कर सकते हैं दैट प्रमोट पुनीमिक अवेयरनेस सच एज रिंग गेम्स यानी गेम्स की शक्ल में आप उसको रिदम के साथ पढ़ें साउंड सेगमेंटेशन एक्सरसाइज के आवाज़ों को मिलाने की एक्सरसाइज एंड लेटर साउंड कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिविटीज़ यानी लेटरस को कॉरस्पॉन्ड करने वाली उनको मैच करने वाली एक्टिविटीज़ Uh, मिसाल है ए आई इज इन स्नेल रेन पेंट मेल ट्रेन तो ये ए आई की साउंड है और uh, मतलब ये इसमें इनको मिला कर इसको uh, यानी एक ये समझ लें कि एक वजन पे ये uh, सारी साउंड्स थी इन वर्ड्स में जिसकी एग्जांपल दी है फनीम्स अनीम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट्स इन अ वर्ड टो एजुकेटर्स एंड कयर गिवर्स शुड अंडरस्टैंड टू सपोर्ट चिल्ड्रंस लैंगवेज एंड लिटरेसी डिपमेंट तो एजुकेटर्स और जो केयर गिवर्स होते हैं यानी वाल या कुछ और उनको इनको समझना चाहिए फनीम्स की और इन सब की डिवेलपमेंट को समझना चाहिए बच्चों को सपोर्ट करने के लिए और उनको सूटेबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए दे कैन चिल्ड दे कैन हेल्प चिल्ड्रन डिवेल्प स्ट्रॉग पुनैमिक स्किल्स तो वो बच्चों के स्ट्रॉग पुनैमिक स्किल्स डिवेल्प कर सकते हैं फॉर बिकमिंग प्रोफिशेंट रीडर्स एंड कम्यूनिकेटर्स तो उनको माहिर कम्येटर्स और रीडर्स बनाने के लिए